मुझे मेरे वीनू से दूर करने की कोशिश की है तुमने। इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने वीनू को ये क्यों बताया कि उसे गोद लिया गया है? पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि विनायक ने खुद हमें बताया कि उसे ये बात उसकी डॉक्टर आंटी से पता चली है। अब वो झूठ बोल रहा है, बोलो। लगता है विनायक ने मुझे और मौसी को बात करते हुए सुन लिया। मौसी? मैंने जानबूझ के नहीं बताई है विराट। वो मेरे बेटे को कितना गहरा सदमा लगा है तुम्हें पता भी है? वो ना किसी से बात कर रहा है ना किसी की बात सुन रहा है, और ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहा है जो खंजर की तरह मेरे सीने में भी घुस रहे हैं। चुप रहे अंदर। वो ये दर्द हमारे साथ बांटना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसका असली बाबा ही नहीं हूँ, और इस सब की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। सही, मुझे मेरी शादी की सालगिरह का बहुत अच्छा तोहफा दिया तुमने, तुमसे खूब खूब आभार। नहीं विराट, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, नन्हा सा बच्चा, अनजाने उस पर क्या बीत रही होगी।